हम सब में एक यूनिकनेस है, यूनिकनेस, टैलेंट, गॉड गिवन टैलेंट, वो हमें यूनिक बनाता है। हर एक इंसान अपने में ही यूनिक होता है, ओके? वो टैलेंट को पहचानना पड़ता है, वो यूनिकनेस को ढूंढना पड़ता है, तराशना पड़ता है। आज हम क्या करेंगे, हमारे फिश का कोई तो यूनिकनेस हम लोग ढूंढेंगे। एंड हर एक फिश का एक बहुत ही यूनिक पॉइंट होता है, यूनिकनेस होता है, एक सुपर पावर समझो समटाइम्स, ओके? उसके बारे में बात करेंगे। कुछ 10-12 फिश है, मैं वो फिश का नाम और उसका यूनिकनेस बताऊंगा। आप क्या करोगे, आप ऑफ कोर्स ये वीडियो देखोगे आखिरी तक, एंड आप भी कोई अगर आप एक यूनिक पॉइंट शेयर करना चाहो अपने फिश के बारे में या कोई भी फिश के बारे में, तो कमेंट्स में लिखो, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे हॉबीज़ को उससे जानकारी मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट क्या है फिश के बारे में, छोटा सा है लेकिन यू नो उसका ब्रेन पावर उतना नहीं है, छोटू सा होगा ना, बट इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल है। एक मेल और फीमेल टेरिटरी के लिए फाइट करना या क्या चीज खाना है, ठीक है, कैसे हंट करना है, ये इटसेल्फ एक बहुत ही यूनिक चीज है, भगवान का दिया हुआ कुदरती है, अमेजिंग है। बट इसके ऊपर भी यूनिक पॉइंट्स है, चलो देखते हैं क्या है। सो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सुंदर सा ब्यूटीफुल सा बेटा फिश के साथ। आपको मालूम था क्या, बेटा फिश के जो फिन्स है, हिंदी में पंख बोलते हैं कुछ लोग, बट फिन्स जो बेटा फिश के हैं, उनमें जो नर्व सेल्स है, दे एक्ट एज टेस्ट बड्स। मतलब उनके फिन्स के जो नर्व सेल्स है, वो कोई भी चीज टेस्ट कर सकते हैं, दे वर्क लाइक टेस्ट बड्स। यूनिक है ना? ऑफ कोर्स हमारे सबसे प्यारे मोस्ट पॉपुलर गोल्डफिश, उनका पेट ही नहीं है एंड पलक भी नहीं है, नो आईलिड्स। यूनिक है ना? गोल्डफिश का पेट ना होते हुए भी वो खाना इतना ज्यादा खाता है, अजीब है। जिसको अगर पेट नहीं है तो खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन गोल्डफिश बहुत इंटरेस्टिंग फिश है। अंबुना सिक्लिड्स जो लेक मलावी से आते हैं, सिक्लिड स्पीशीज है, अगर उसका जो फीमेल स्पीशीज है अगर वो फर्टाइल नहीं है, मतलब बच्चे दे नहीं सकती, तो उसको अटैक करेंगे, मार देंगे, बिकॉज कुदरती उसका जरूरत नहीं है। स्ट्रेंज है ना? बट आपको पता था क्या, अब अंबुना सिक्लिड अगर कलर्स एंड पैटर्न्स डिफरेंट है, उनको साथ में रख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिटी बनेगा सिक्लिड्स का। अब एंजल फिश का ले लो, अगेन बहुत पॉपुलर, उनको एक यूनिक एबिलिटी है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे या उनका उम्र बढ़ते जाएगा, वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं अपने आप, एनवायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, लाइट डार्क स्लाइटली डिफरेंट शेड, वो सब हो सकता है। अब हमारे फेवरेट बॉटम फीडर्स कॉरिडोरस, ब्यूटीफुल स्पीशीज, इतने सारे वैरायटी, उसका जो फीमेल है बहुत बड़ा होता है एंड मेल छोटे होते हैं। एंड अगर आप मेल फीमेल रख रहे हो, याद रखो कि एक फीमेल के साथ 3-4 मेल रखें, बिकॉज जितने सारे अंडे देती है ना फीमेल, वो एक मेल से फर्टिलाइज नहीं होता, फर्टिलाइज करने के लिए 2 या 3 मेल चाहिए, तब जाके आपको ज्यादा बच्चे मिलेंगे। अब गपीज, छोटू सा फिश बट दिल शेयर वाला, ठीक है, बिकॉज वो जो प्रेडेटर, मतलब अगर गप्पी से बड़ा कोई फिश है और गप्पी को खा सकता है, गप्पी डर के भागता नहीं है, छुपता नहीं है,
वो सीधा वो प्रेडेटर क्या है, वो कौन है, वो सब देखने जाता है। इसको प्रेडेटर इंस्पेक्शन बोलते हैं। अमेजिंग, क्या जिगर है। नहीं, अब ये प्रेडेटर इंस्पेक्शन से क्या होता है, जो मेल प्रेडेटर के सबसे पास जाता है वही मेल को फीमेल ज्यादा पसंद करती है। तो ये बहुत यूनिक पॉइंट हुआ ना गप्पीज का। अब एक और फिश है, छोटा सा सेलेस्टियल पर्ल डैनियो, उसको हम गैलेक्सी रेस्बोरा भी बोलते हैं। चिल्टू सा फिश और उसके बच्चे और छोटे, कहते हैं कि उनको ब्राइन श्रिम्प मत खिलाओ। हम लोग कहते हैं बच्चों को ब्राइन श्रिम्प खिलाओ, बट ये पर्टिकुलर रेस्बोरा को ब्राइन श्रिम्प मत खिलाओ, बिकॉज इतने छोटे हैं कि वो ब्राइन श्रिम्प इसको हार्म कर सकता है। तो ये यूनिक प्रॉब्लम नहीं है बट जानकारी है, ठीक है। अब कितने लोग चेरी बार्ब जानते हैं, छोटा सा बार्ब है बट एक्चुअली बार्ब नहीं है, वो एक्चुअली कार्प फैमिली को बिलोंग करता है। कार्प बड़ा फिश, कार्प से गोल्डफिश बना है, ठीक है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से, याद है मैंने गोल्डफिश वीडियो में बताया था। और चेरी बार्ब कार्प फैमिली का है, एक्चुअली बार्ब नहीं है। अगेन जानकारी, नॉट अ ग्रेट सुपर पावर। सो नाउ बहुत लोग पूछते हैं कि कार्डिनल टेट्रास या टेट्रास ब्रीड करना है, बट कार्डिनल टेट्रा में एक यूनिकनेस है, ठीक है। वो फीमेल अंडा तभी देगी जब रेनी सीजन हो एंड ट्वाइलाइट हो, मतलब शाम और रात होने के बीच में, ट्वाइलाइट बोलते हैं, ठीक है। वो एक टाइम में ही वो अंडे देगी एंड रेनी सीजन में। इसका ट्रिक मतलब बोलो, यू नीड रेन वाटर टू ब्रीड कार्डिनल टेट्रास, याद रखो, यूनिकनेस है ये। अब रेनबो शार्क्स बहुत सुंदर है ना, रेड टेल, ब्लैकिश बॉडी, क्या दिखते हैं बॉस। नाउ ये वाले जो है ये जंपर्स है, ठीक है, वो मतलब उनको एस्केप करने का बहुत शौक है, वो हल्का सा मौका मिला जो उड़ी मार देंगे। दूसरा, बहुत टेरिटोरियल है। अगर आप कोई दूसरा प्लेको रखेंगे या बॉटम फीडर्स रखेंगे तो फाइट करेंगे जरूर, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी इश्यू, ओके। नाउ ऑटोसिंक्लिस, छोटा सा फिश, बहुत अच्छा एल्गेटर, सुपर एल्गेटर, ठीक है, स्केल्स नहीं है, तो सॉल्ट ट्रीटमेंट करते टाइम संभालो, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोसिंक्लिस के लिए सॉल्ट ट्रीटमेंट मत करना बिकॉज स्केल्स नहीं है। दूसरा, उसका यूनिक पॉइंट समझो, ठीक है, स्केल्स ना होते हुए भी आर्मर है, और जो ये साइड के दो फिन्स है ना वो बार्ब्स जैसा निकलता है, मतलब कांटे जैसा। कोई भी फिश, ज्यादातर एंजल फिश वगैरह ना, उनको खाने का आदत है, अल्टम एंजल्स, अगर वो खाएंगे तो वो इसका जो कांटा है साइड में वो खुलता है एंड एंजल के गले में अटकता है एंड एंजल को मार सकता है। यूनिक है एंड एक उसका एक बॉडी वैसा बना है विद आर्मर। दूसरा, कभी भी कोई भी ज्यादा स्लाइम प्रोड्यूस करने वाला फिश, जैसे गोल्ड फिश हो, जैसे डिस्कस हो, उसके साथ ऑटोसिंक्लिस को मत रखना, बिकॉज ऑटोसिंक्लिस वो दूसरे फिश के बॉडी में चिपकेगा और वो स्लाइम खाता रहेगा और इतना खाएगा कि गाव हो जाएगा बड़े फिश को, तो डू नॉट कीप, ओके। नाउ सिक्लिड्स, सिक्लिड्स जब आप खरीदते हो तो ये ध्यान दो कि वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। क्यों? बिकॉज वेजिटेरियन सिक्लिड्स का दांत अलग होता है, नॉन वेजिटेरियन सिक्लिड्स का दांत अलग होता है, ताकि वो उस हिसाब से खाना खाए। तो अगेन, अगर वेजिटेरियन सिक्लिड को नॉन वेज दिया जाए तो वो खा नहीं पाएगा, प्रॉब्लम होएगा, ठीक है। सो वो डिफरेंस जानना जरूरी है। नाउ एक सुपर पावर वाला फिश बात करते हैं। पहला सेल फिन मॉली, दूसरा आपका रेगुलर ब्लैक मॉली, ठीक है। सेल फिन मॉली में एक सुपर पावर है, ठीक है, सुपर पावर या अडेप्टेशन बोलो, उसका जो मुंह है ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ है,
ठीक है, तो बहुत ही लो ऑक्सीजन वाला जगह में, टैंक में भी वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो जो थिन लेयर ऑफ ऑक्सीजन होता है पानी के सरफेस पे, वहां से वो ऑक्सीजन लेके सर्वाइव कर पाता है, बट ज्यादा दिन नहीं। आपको एयर पंप लगाना अच्छा है। बहुत सारे लोग वो मॉलीज को बोल में रखते हैं, प्लीज बोल में फिश मत रखो, अच्छा नहीं है। नाउ एक और सुपर पावर वाला फिश, ब्लैक मॉली। ब्लैक मॉली जो है समुद्री पानी या सॉल्ट वाटर, मरीन वाटर में रह सकता है, सॉल्ट वाटर टैंक में जी सकता है, एंड फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, एंड ब्रैकिश वाटर में रह सकता है। ब्रैकिश वाटर मतलब फ्रेश वाटर और समुद्र के बीच में, एंड यहां तक कि हाइड्रोजन सल्फाइड अगर ज्यादा है पानी में वहां तक भी जी सकता है, बिकॉज उसका कैपेबिलिटीज वैसा है। बट एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट वाटर में वो जी नहीं पाता। So, जब मॉलीज रखते हो तो ये ध्यान में रखो, थोड़ा नमक ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये इसका सुपर पावर है, फ्रेश वाटर फिश बट कैन सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड ऑफ कोर्स फ्रेश वाटर। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नाउ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ज़ीब्रा फिश जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्वेरियम में बहुत फास्ट स्विम करते हैं, बहुत फास्ट स्विम करते हैं, एंड जो स्लो मूविंग फिश को भी तो अटेम्प्ट करते हैं पीछे पीछे फॉलो करने के लिए, स्विम फास्ट करने के लिए। सो ज़ीब्रा फिश होना इंटरेस्टिंग होगा एक एक्वेरियम में। नाउ ज़ीब्रा फिश का एक और चीज है, बस बहुत इंपॉर्टेंट फिश है, बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट में ज़ीब्रा फिश के ऊपर टेस्ट करते हैं। अच्छी बात नहीं है, बट इट इज हेल्पिंग ह्यूमंस, राइट? बिकॉज माना जाता है ज़ीब्रा फिश में ऐसा कुछ है जो कैंसर को मार सकता है, तो आज भी टेस्टिंग चल रहा है। अगेन यूनिकनेस, गॉड गिवन गिफ्ट, ओके। तो हो सकता है कि हमारा चिल्टू सा ज़ीब्रा फिश कैंसर क्योर में मदद कर दे, ठीक है। नाउ मैंने कहा था ना सुपर पावर, सबसे ज्यादा सुपर पावर वही चिल्टू सा ज़ीब्रा फिश में है, क्योंकि अगर उसका हार्ट डैमेज होता है तो वो रिपेयर कर सकता है उसको, उसको अंदरूनी भगवान का दिया हुआ कुदरती शक्ति है अपना डैमेज हार्ट को रिपेयर करने का। इससे बड़ा सुपर पावर तो हो ही नहीं सकता। चलो तो आज आपने देखा कि हमारे जो डे टू डे एक्वेरियम वाले फिश में कितना सुपर पावर है, कितना यूनिकनेस है, कितना मैजिक है, एंड कुदरत कितना अमेजिंग है। बस हर एक दिन कुदरत के जादू, मतलब बस अमेजिंग अमेजिंग। So, अगर आपको भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मालूम है तो जरूर कमेंट्स में शेयर करें, मजा लेंगे, अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, ओके। सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। सुबह उठते ही अपने एक्वेरियम को देखते ही ना हमेशा ये सोचो कि बॉस ये कुदरत का कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन है, यू नो हाउ अमेजिंग दिस इज, एंड ऊपर वाले को थैंक यू बोलना कि यू नो आपको ये नजारा रोज सुबह उठ के देखने का उन्होंने एक मौका दिया है, आपको ये हॉबी में रखा है, एंड पूरा दिन हंसी खुशी मजेदार रहेगा, ओके। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज, वीडियोस, वेबसाइट, बहुत सारे चीज होने वाले हैं, ओके। बहुत जल्दी होंगे, बहुत नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। देखते रहो, जुड़े रहो, बने रहो, मजा लो, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।